एक रेस्टोरेंट खोलते टाइम कितना रेंट पे करना एडवाइजेबल है, ये एक बहुत ही क्रूशियल सवाल है, बिकॉज ये एक डिसीजन आपके रेस्टोरेंट की सक्सेस या फेलियर को डिसाइड कर सकता है। अभी कॉमन रूल ऑफ थंब ये कहता है कि जो रेंट है वो आपके प्रोजेक्टेड सेल का 5-10% होना चाहिए। मेजोरिटी लोग जो है वो पहले तो यही चीज समझने में मिस्टेक करते हैं कि रेंट है क्या। वो उसको रेंट कंसिडर करते हैं कि जो वो अपने लैंडलॉर्ड को पे करते हैं। बट रेंट इज नॉट ओनली दैट, योर रेंट इज एक्चुअली टोटल ऑफ 3 things: द अमाउंट दैट यू पे टू द लैंडलॉर्ड, द मेंटेनेंस दैट यू पे टू योर बिल्डिंग, एंड द टैक्स दैट यू पे टू द लोकल अथॉरिटी। अभी ये तीनों का टोटल मिला के जो टोटल आया वो टोटल आपके प्रोजेक्टेड सेल के 10% से कम होना चाहिए। बट ध्यान ये भी रखना है कि आपका जो प्रोजेक्टेड सेल है वो रियलिस्टिक है और अचीवेबल है। एक पर्टिकुलर लोकेशन फाइनल करने से पहले उसके आसपास की लोकेलिटी का, उसके आसपास की जगह का, और आपके सेम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दूसरी शॉप है उसका क्या रेंट चल रहा है, उसका सर्वे करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि आपको जो डील मिल रही है वो फेयर डील है या नहीं। अभी रेंट अग्रीमेंट करते टाइम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से फेवरेबल क्लोजेज आप ऐड कर सकते हो, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में डिटेल में अपने एक एक्सक्लूसिव एपिसोड में आगे जाके बात करेंगे।